આજે પાણપુર ચોકડી ખાતે ધોની ક્રિકેટ એકેડમીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. એમાં રાજસ્થાન રોયલના ચીફ કોચ નિશાંત યાજ્ઞિક હાજર રહ્યા અને આ એક બહુ સરસ સાહસ કર્યું એમણે કે આ લોકો અહીંયા બનાવી નથી નાના બાળકોનું, ભવિષ્યમાં ક્રિકેટમાં એ લોકો રમવા ઈચ્છતા હોય તેમને પ્રોત્સાહન મળશે અને બહુ સારી એક્ટિવિટી થશે અને જગ્યા પણ બહુ સરસ છે અને જે આયોજકોએ આયોજન કર્યું છે એ બહુ સરસ અને વ્યવસ્થિત કર્યું છે અને નીતિ નિયમો સાથે ચાલશે એવું મારું માનવું છે. થેન્ક યુ સર. આપનું નામ સર? ટીવી પટેલ, ચેરમેન કોંગ્રેસ માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટ, સાબરકાંઠા. થેન્ક યુ. હા બેલ ગયો બિહાર વેલકમ યા હમરે ગુજરાત મેં ઓર એવો ભી હિંમતનગર સાબરકાંઠા મેં આપ આયે હો તો આજ યા એકેડમી કા ઓપનિંગ હુઆ હૈ તો ઉસ બારે મેં આપ ક્યા કર લેને ચાહતે હૈ? દેખિયે, મહેન્દ્ર સિંહ ધોની ક્રિકેટ એકેડમી સે મેં પિછલે 2 સાલ સે જુડા હુઆ હું ઓર જહાં તક ભી જહાં ભી હમને એકેડમીયા ખુલી હૈ વહાં પે રિઝલ્ટ બહોત અચ્છે આયે હૈ. હોપફુલી હિંમતનગર મેં હમને ઓપનિંગ સેરેમની કી હૈ તો આને વાલે ટાઈમ મેં હિંમતનગર સે બહોત સારે પ્લેયર પ્રોડ્યુસ હોંગે. હમારે સાથ કોચેસ યહાં પે બેઠે હુએ હૈ, વો ઉનકે સાથ ડેલી બેસિસ પે કામ કરેંગે ઓર હમારી યે કી કોશિશ હૈ કે જો ભી રો ટેલેન્ટ હૈ, જૈસે હિંમતનગર સાબરકાંઠા મેં બહોત રો ટેલેન્ટ હૈ, ઉસકો હમ લોગ એક હમારા પ્રોડ્યુસ કરે કે બડા પ્લેયર બને, યહાં સે ગુજરાત કે લિયે ખેલે, આઈપીએલ ખેલે, ઇન્ડિયા ખેલે. તો એઝ અ કોચ મેરા યહી વિઝન હૈ કે જીતના જ્યાદા હો સકે મેં ઇન્વોલ્વમેન્ટ દિખાઉં, યહાં પે આકે ટાઈમ ટાઈમ પે આકે કોચિંગ કરું ઓર હોપફુલી બહોત જલ્દી હમકો યહાં સે પ્લેયર દેખને મિલેંગે. ઓર યહાં આપ આયે હો જૈસે કે હિંમતનગર મેં તો યહાં કા આપકો જે બચ્ચે લોગો કા માહોલ કૈસા લગા યે ઇસ ખેલ બારે મેં? देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है और स्पेशली क्रिकेट ऐसी चीज़ है इंडिया में कि इंडिया में क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है. हर एक लड़का इंडिया खेलना चाहता है. देखिए, इंडिया खेलना चाहना और इंडिया खेलने के लिए मेहनत करना दोनों अलग चीज़ है. तो यहाँ पे जब मैंने बच्चों की आँखों में थोड़ी सी वो एक देखी ललक के हाँ हमको भी कुछ बनना है और मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी की, वन ऑन वन भी बात की, तो काफ़ी खुश है एकेडमी को लेकर के. और एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है गाइड करना. देखिए, कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट हो, एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड हो, आपको एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, डायरेक्शन देने वाला मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो वो प्लेटफॉर्म देने की हमने कोशिश की. हमारे साथ कोचेज यहाँ पे हैं, वो उनके साथ काम करेंगे और जहाँ पे भी मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर कोई प्लेयर ऐसा लगता है कि अंडर 19 अंडर 17 में गुजरात की तरफ से डोर को नॉक कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली उसको प्रमोट करूँगा, उसको तैयारी में हेल्प करूँगा. और जैसा मैं यहाँ पर एंटर भी हुआ था, बहुत सारे लड़कों के चेहरों पर खुशी थी, तो होपफुली आने वाले टाइम पर यहाँ से कोई ऐसा लड़का खेले ऊपर IPL और वो जब यहाँ पर आए तो सेम खुशी देखने को मिले. थैंक यू सर. आपका नाम? मेरा नाम चंदन दास है. और आज यहाँ साबरकांठा में जो एकेडमी का ओपनिंग हो रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, इसमें कहना है यार, नया एकेडमी खुलने वाला है. सर, पहला लेट हो गया था खुलने में, समर टाइम के पहले खुलना चाहिए था. समर टाइम खुलने के तो बहुत बच्चे और भी आता था और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. और मेरा जितना एफर्ट है मैं लगा थी बच्चों को अपना ट्रेनिंग देते हैं. और सर, बाहर के शहर आ गए. और ओके, आप यहाँ कोच आप संभालने वाले हो? यहाँ कोच का काम आप संभालने वाले हो? थैंक यू. इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द क्रिकेट और कोई भी स्पोर्ट्स में, ठीक है, प्रिपरेशन और उसके बाद है डिसीजन मेकिंग. हर एक डिसीजन बॉलर के मारनअप पे, बैट्समैन के स्टांस पे, फील्डर के सेटअप पे, कीपर के सेटअप पे बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना ज़्यादा प्रिपरेशन पे, ये जो 3 पट्टी दिख रही है ना आपके लाइफ का 1/3 पार्ट कैरियर का, अगर इन 3 पट्टी में या उधर सेंटर में जब आप स्पेंड करोगे तब जाके आपको कुछ मिलेगा. ओवरनाइट किसी को कुछ नहीं मिल सकता है. फिर ऐसा होगा कि आप आओगे, बैग रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बैग उठाओगे, घर जाओगे, तो आप एक रोबोट बन जाओगे सिर्फ. सो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्डवर्क के साथ पेशेंस. अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो जैसे हिम्मतनगर बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटी जगह है. मैं जिस जगह से आया हूँ वो बहुत बड़ी जगह नहीं थी, बांसवाड़ा, छोटी जगह है. माही भाई जिसके नाम से एकेडमी है, वर्ल्ड फेमस है, वो बहुत बड़ी जगह से नहीं थे, छोटी जगह से थे. तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हिम्मतनगर या विसनगर के जो लड़के हैं हमारे लिए सफ़र ज़्यादा कठिन है इंडिया खेलने का. ऑब्वियसली है, बट आपके अंदर जो टैलेंट है, जैसे मैंने बोला कि 10 नंबर पे पहुंचने के लिए इंडिया खेलोगे, 4 नंबर आपका टैलेंट वहाँ तक ले जाएगा, पर बाकी 6 सीढ़ियाँ आपको सिर्फ हार्डवर्क से चढ़नी पड़ेंगी.
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो कोचेस यहाँ पे हैं, सुनील सर है, एक और कोचेस हैं, उनका आप सहारा लो वो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, आपके हार्ड वर्क के साथ उनका जो क्या बोलते हैं, उनका उनका जो नॉलेज है वो आपके साथ, दोनों के साथ मिल के ही आप इंडिया खेल सकते हो या IPL खेल सकते हो, वट एवर। सो मैं 15 साल से IPL सेटअप में हूँ और 15 साल में मैंने एक ही चीज़ देखी है कि जो इंसान 2024 के IPL के लिए 2022 से मेहनत करता है वो 2024 में जाके सक्सेस होता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे रियान पराग भी, आप देख लो, अनबिलीवेबल प्लेयर है, अनबिलीवेबल टैलेंट है। जब उन्होंने अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दिया कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने के लिए, 2024 में उन्होंने करके दिखाया। सो आप लोगों से भी सेम रिक्वेस्ट है और आप लोगों के लिए सेम एडवाइस है मेरी तरफ से, अगर एज अ कोच मेरे से आप पूछोगे तो रोज जब बैग रखोगे यहाँ पे तो बैग को बोलना है कि आज तेरे अंदर मैं 5% मेरा जो इम्प्रूवमेंट है वो रख के जाऊँगा, नेक्स्ट डे जब आऊँगा तो 10%, नेक्स्ट डे जब आऊँगा तो 15%। तो हर एक स्किल पे आपको 100% करेक्शन चाहिए और साइंस हमेशा बोलता है कि कोई भी चीज़ पे परफेक्शन लाने के लिए 10,000 टाइम बार करनी पड़ती है। तो 10,000 बार जब कवर ड्राइव मारोगे या 10,000 बार जब ऑफ स्पिन डालोगे या 10,000 बार जब लेग स्पिन डालोगे लेंथ पे, तब जाके आपको कमांड धीरे धीरे उस पर आने लगेगा। सो 10,000 के लिए कितना आर्म रोटेशन चाहिए, 10,000 के लिए कितना हार्डवर्क चाहिए, 10,000 के लिए कितना प्रिपरेशन चाहिए और 10,000 के लिए कितना डेडिकेशन चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जितने भी लोग बैठे हैं, ये लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, ये एकेडमी के स्टार्ट हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन है पता है इस टाइम पे, यहाँ का कोच। कोच जो यहाँ पे डायरेक्शन देगा वैसे ही